झूठी मैं मक्का इस फिल्म का ट्रेलर जो है सामने आ गया है। लगभग 3.5 मिनट का ट्रेलर है, टी सीरीज के हैंडल पर आप देख सकते हैं। इस ट्रेलर को देखकर मुझे शाहरुख खान की याद बार बार आ रही है और आप बोलेंगे कि शाहरुख खान का इस फिल्म से क्या लेना देना। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर की बात करती हूँ, लव रंजन, प्यार का पंचनामा, सोनू के टिट्टू की स्वीटी, ये जो फिल्में हैं, मतलब जो प्यार का ताना बाना जो ये बुनते हैं, मतलब यंगस्टर्स के बीच का, वो वाकई में कमाल होता है। और वही धमाल अब इस फिल्म में भी देखने को मिलेगा, जहां पर आप श्रद्धा और रणबीर की बहुत ही खूबसूरत केमिस्ट्री जो है देखेंगे। मैं बहुत सरप्राइज हूं कि वाकई में ये केमिस्ट्री जो है बहुत शानदार मुझे लग रही है। और लव रंजन, जिन्होंने अपने फिल्मों की शुरुआत जो है छोटे बजट, छोटे स्टार कास्ट में, छोटा स्टार कास्ट इसलिए कह रही हूं कि उस समय जब उन लोगों ने शुरुआत की थी वो इतने बड़े नाम नहीं थे, तो लव ने यहां तक आने के लिए बहुत मेहनत की है और उनकी ये मेहनत इस फिल्म में नजर आ रही है, तू झूठी मैं मक्कार। रिलेशन में आना आसान है लेकिन उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है, जोड़ना आसान है तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो इस तर्ज पर आपको इस फिल्म का ट्रेलर देखने को मिलेगा। रणबीर कपूर, मतलब मुझे ये लगता है कि मैं अक्सर सोचती थी कि अगर शाहरुख खान जिस तरीके से लव रोमांस को प्रेजेंट करते हैं, उनका अगर कभी मैं कोई रिप्लेसमेंट सोचूं तो मुझे कोई नजर नहीं आता था। लेकिन मुझे वो चार्म, करिश्मा वाकई में रणबीर में धीरे धीरे नजर आने लगा है। मुझे लगता है शाहरुख को रिप्लेस करना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, लेकिन ये होता है ना कि कोई तो हो जो उसकी लेगेसी को भी आगे और लेकर जाए, मतलब जिसमें लगे हमें कि हाँ शाहरुख और ये एक्टर्स जो है वो वाकई में लव को बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रे करते हैं। तो वो चीज मुझे रणबीर में नजर आ रही है और केमिस्ट्री मुझे इस फिल्म की सबसे अच्छी लगी, श्रद्धा और रणबीर की। तो अब इस फिल्म का 3.5 मिनट का ट्रेलर आया है जिसको अभी तक 4 मिनट में 35 के व्यूज हो गए। पर पता नहीं क्यों मुझे इस ट्रेलर को देख के कभी वेकअप सिड याद आता है, कभी वो दीपिका के साथ रणबीर की क्या फिल्म थी, बलम पिचकारी, जो तूने मुझे मारी, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा, तो मुझे कभी उसकी थोड़ी बहुत झलक नजर आ रही है। लेकिन फिल्म का पिक्चराइजेशन काफी ग्रैंड है, समझ में आ रहा है कि अच्छा खासा जो है खर्चा फिल्म में किया गया है। तू झूठी मैं मक्कार, यानी एक रिलेशनशिप में लॉयल कोई नहीं है, एक झूठा है तो एक मक्कार है। अगर कोई झूठा बनने की कोशिश कर रहा है तो सामने वाला उसे मक्कार बनकर उसका जवाब देगा। तो ये एक सच्ची प्रेम कहानी 8 मार्च को होली के समय पर रिलीज होने वाली है। तो ट्रेलर मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। थोड़ा मुझे लग रहा है कि इस तरह की जो फिल्में हैं ये यूथ में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। आपने देखी है प्यार का पंचनामा और सोनू के टिट्टू की स्वीटी, तो ये फिल्म मुझे उसी तर्ज पर लग रहा है कि आगे बढ़ेगी और लोगों को, खासकर यूथ को जो है बहुत पसंद आएगी। डिम्पल कपाड़िया भी है इसमें और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा किरदार होगा उनका। तो आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।